राजीव गांधी जू पार्क में मैं इधर पहले भी आ चुका हूँ, इसलिए मैं आपको इधर की पूरी डिटेल्स बता दूँ। ठीक है, पहले सबसे पहले इम्पोर्टेंट है डिटेल्स, उसके बाद हम जाएंगे घूमने। ओके, सो इधर आने के लिए आप, अगर आपके पास कार है तो आप सीधा गूगल मैप से डाल के आ सकते हो। अगर आपके पास कार नहीं है, अगर आपको बस से आना है, सिटी बस से आना है, तो आपको सवार गेट से अगर आ रहे हो तो सीधा कात्रज बस में बैठ जाओ, बिना किसी तकलीफ के, बिना किसी डाउट के बैठ जाओ कात्रज बस में और कात्रज का टिकट लो। और उस कंडक्टर को बोल दो कि जू पे उतरना है, राजीव गांधी जू पे, वो बता दे एक सिग्नल है, इधर उतरोगे सीधा, बोले तो सीधा जू के सामने। ठीक है, तो इधर के टिकट 40 रुपीज़ पर पर्सन है। ठीक है, अगर मेरे जैसे हो तो 40 रुपीज़ है आपको, अगर ब्लाइंड हो तो फ्री में, अगर हैंडीकैप हो तो फ्री में, और बच्चों के लिए 10-10 रुपये है, ऐसा कुछ तो है। ठीक है, 10-10 रुपये है। तो आने के बाद आपको इधर प्लास्टिक्स नॉट अलाउड है। ठीक है, अगर आपके पास प्लास्टिक बैग भी, मतलब ऐसा बैग, मेरी तो स्कूल बैग है, मतलब कॉलेज बैग लेके आया हूँ मैं, तो मेरे को तो कुछ बोला नहीं, लेकिन जो भी ऐसे थैली वैली लेके आते हैं तो वो अंदर अलाउड नहीं है। ठीक है, पोल्यूशन ही नो पोल्यूशन। ठीक है, तो इधर आने के बाद आपको स्नेक पार्क भी मिलता है, थोड़े से बर्ड्स भी है और जू भी है, वही तो इम्पोर्टेंट है। शेर है, पॉक्यूपाइन है, रेंडियर है, एलिफेंट है, बहुत सारे। अब एक एक करके अपन सब देखेंगे। चलिए बिना किसी टाइम को वेस्ट किए शुरू करते हैं वीडियो आज का। अगर आप थक गए और अगर आप बुजुर्ग हो तो वो लोग की बस रहती है, उसमें आप जा सकते हो। तो मेरे पीछे बस स्टॉप, ये बस स्टॉप, काश ऐसा बस स्टॉप हर जगह पे होता, बाहर भी होता, इतना अच्छा, लेकिन क्या करे। नहीं, ये अभी जाना है लेपर्ड देखने। लेपर्ड बोले तो बिप्टा, ठीक है ना, बिप्टा दिख गया, बिप्टा दिख गया, बिप्टा दिख गया। वो देखा सामने सोयला है, क्या मजे की लाइफ है साले की, मस्त सोया है। इधर हमको M1 M2 M3 प्रिंटिंग का सब करना पड़ता है। और एक दो बिप्टे, क्या दिखते है बॉस, एक नंबर। आहा, ये बहुत इम्पोर्टेंट नोटिस है हमारे लिए, ठीक है ना। तो डू नॉट डिस्टर्ब एनिमल्स वेल रेस्टिंग, कह के प्राण्यांची शांतता भंग करू नये, बराबर है क्या, है ना। अगर उधर से कूद भी गए ना, कूदेंगे तो नहीं वैसे, ये देख लो पीछे बहुत बड़ा केज है, ठीक है ना। लेकिन फिर भी यार अपने लिए रखे, उधर बेचारों को अपने घर जंगल से निकल के लाए इधर, उनको क्यों डिस्टर्ब करना ना, आराम से बेचारे। क्या लगता है वो दो लेपर्ड थे, वो मेल मेल होंगे या फीमेल फीमेल होंगे, या मेल फीमेल होंगे, कमेंट करके बताना मेरे को। वो देखो वो टाइगर है, वो देखो वो है टाइगर, चल रहे शेर के अंदाज में। आहा, इन साला सामने नहीं आ रहा है, बहुत दूर है। टाइगर है, बड़ा टाइगर वो झाड़ी के पीछे गया है। ये दो तीन चार, चार है, चार छोटे और एक बड़ा, ऐसे टाइगर है। अरे जब मैं पहली बार आया था ना इधर, तो ऐसे ही टाइगर थे, लेकिन वो एक ही था और वो बेचारा बूढ़ा था। दूसरे बार आया तो व्हाइट टाइगर था, मैं देख के बहुत खुश हो गया था, जिंदगी में पहली बार व्हाइट टाइगर देखा था। और अभी आया तो अभी तो भाई चार टाइगर देखे, तीन छोटे एक बड़े। अच्छा भाई, टाइगर की प्रजाति बढ़ रही है, टाइगर की संख्या बढ़ रही है, अपन खुश है। वो देखो वो उधर बैठा है लायन, वो सामने वाला झाड़ है ना, उसके नीचे बैठा है। लेकिन क्या है ना, वो बेचारा आलसी है, और राजा है ना, उसको कुछ काम धंधा नहीं होता है, वो बस देखभाल करता है इधर तो। लेकिन साला बीकी बिल्ली बन के बैठा है, वो उसकी केज है उधर, ठीक है ना। रात को शायद उधर सोता होगा, दिन में इधर आता है बैठने को। अबे उठ ए टाइगर, टाइगर बोल रहा, ए
लायन उठना, हमारे सब्सक्राइबर को देखना है तुझे, उठ 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 उठ, शर्म नाम की, अरे उठा 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 उठा, सुन लिया बे अपना सुन लिया, देखा आपके भाई का कमाल, लाइन भी सुनता है, लाइन बोले तो मराठी में बोले तो सिंह कैसा खड़ा है देखो ना, अभी इधर इधर डरकाया, अरे शायद भूखा है बेचारा, गवा क्या होता है वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन आप देख लो उस गवा को, एक काम कर, हाँ ये देखो उधर से देखते, इसने उधर से तो दिखेगा नहीं, इधर से देखते, रुको जूम करके देखते, ये है गवा। तो भाई लोग अभी अपन देखने जा रहे हैं जैकल वुल्फ ब्लैक बक एलिफेंट नीलगाय, चलो देखते हैं क्या होता है नीलगाय। बोर तो नहीं लगाया भाई लोग, लेकिन ना ऐसा लग रहा है ये नीलगाय, नीलगाय ये इधर लिखा है नीलगाय ब्लू बुल नीलगाय ऐसा लिखा है, ये देखो इधर नीलगाय, नहीं इधर नहीं, ये पीछे एक ग्रीन बोर्ड है ना उस पर लिखा है नीलगाय। कहाँ है यार, बहुत ही अलग है यार हमारी गाय से तो, बहुत अलग है, मेरे को लगा पहले कि बिना सिंह का डियर होगा बिना सिंह का डियर इधर एलिफेंट है, जैकल है, ब्लैक बक है, मुझे ब्लैक बक देखना है यार, ब्लैक बक मैंने आज तक देखा ही नहीं है कैसा है, मतलब इधर मैं तीसरी बार आया हूँ लेकिन ब्लैक बक नहीं देखा है, ऐसे इस साइड में ना मैं ज़्यादा गया नहीं था, तीसरी बार पहली बार हमारे स्कूल के पिकनिक में आया था, दूसरी बार दोस्तों के साथ आया था, और अभी ये तीसरी बार है। तो ये पीछे गई वो बस थी, बस थोड़ी से कैप्चर नहीं हुई, वापस आएंगे तो वापस दिखाते आपको बस, चलो ब्लैक बग देखने। और हाँ अगर आपको घूमते घूमते अगर लग गई तो इधर शौचालय, हल्के हो गए आने का, फिर आराम से देखने का, ऐसा पकड़ के घूमने का नहीं, बहुत तकलीफ होती है, घूमने भी नहीं ठीक से मिलते होता है, ठीक है चलो ब्लैक बग देखते। रेनडियर, अबे रेनडियर और नीलगाय में तो बहुत डिफरेंस है, मैं भी क्या चूमू जैसा कुछ भी सोच रहा था नीलगाय को, रेनडियर सिंह छोटे है लेकिन रेनडियर बड़ा वाला नहीं, हाँ उधर देखो बड़ा वाला सिंह वाला भी है, और कोई कोई तो सिंह ही नहीं है, फुटेले ही नहीं है सिंह, बहुत सारे ज्यादा भाव खा रहे हैं रेनडियर, देख ही नहीं रहे इधर अपने तरफ, भाई को इज्जत ही नहीं दे रहे, उससे जो अपना लायन था बेचारा बोला उठने को तो उठ गया था अपन के लिए। यहाँ पे वुल्फ है मतलब लांड का, वही लांड का तो दिख ही नहीं रहा, किधर गया, नहीं नहीं यार ऐसे थोड़ी आ रही है लांड के छोड़ो, इधर वो लांड के का था, ये पीछे वाला लांड के का है मतलब वुल्फ, लेकिन साला दिख ही नहीं रहा है, पता नहीं किधर गया, छोड़ो अपने को गया, अपने को तो इतना अपने को देखने का मौका उसने गवा दिया, अपनी थोड़ी गलती उसकी गलती और एक बस स्टॉप डिगड़ी भैया, घूमते घूमते तो बहुत पैर दुख गए, थोड़ा रेस्ट किया जाए। वैसे ना मेन बात तो ये है कि यहाँ के एनिमल्स तो सब देख लिए ठीक है ना, अभी एलिफेंट बाकी है, मेरे को ब्लैक बक दिखा नहीं, लेकिन ब्लैक बक पता नहीं किधर कौन से कोपचे में छुप के बैठा साला पता नहीं, तो ब्लैक बक पता नहीं कौन से कोपचे में छुप के बैठा है, वैसे सब एनिमल्स देख लिए, बहुत सारे एनिमल्स है, बहुत मज़ा भी आया, लायन का सबसे मज़ा आया यार, लायन ने दिल खुश कर दिया आज का, आके ऐसा सफलता लग रही है मुझे आके। एलिफेंट का उधर है लेकिन मैं गया था उधर, एलिफेंट तो दिख नहीं रहे, वो बहुत अंदर रखा है, बस ऐसा लिखा है एलिफेंट और बहुत अंदर रखा है, इसलिए मैं वापस आ गया, और साला एलिफेंट के चक्कर में ना हमने अपने पैर दुखवा लिए। अभी मेन जो है सेकंड पार्ट वो मुझे स्नेक पार्क देख रहे हैं, क्योंकि स्नेक पार्क में ना एक स्नेक है, वो साला जब मैं पहली बार आया था तभी भी उधर था, दूसरी बार आया तभी भी उधर था, देखने की वो है कि नहीं, अगर इस बार भी रहा मतलब वो मरा हुआ है। तो अभी तो हमने सब एनिमल्स देख लिए, अभी बारी है मंकीज और स्नेक्स की,
तो चलिए देखते हैं, अपन बहुत एक्साइटेड है। चलो चलो बेटे बेटे ना ऐसे बैठे नहीं रहने का, घूमते रहने का और सब कुछ देखते रहने का। इधर लाइट का थोड़ा प्रॉब्लम है इसलिए मंकी को देखेंगे। ऐसे ना मंकी अपना फेवरेट प्राणी है, जो बहुत उछल कूद करता रहता है। जय श्री राम, जय श्री राम। करतब करतब पिस्ता फ्लेवर।